डॉक्टर पूजा विमेश, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो डोडा, आज इस नाम को यहाँ पे कौन नहीं जानता है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है इन्होंने चेयर संभाली है प्रिंसिपल की, और काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एक मुहिम चलाई गई और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर, जिस तरीके से जो भी प्रिंसिपल होते थे वो पेशेंट के साथ रूबरू नहीं होते थे, मगर इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई, हर सैटरडे को ये पेशेंट के साथ मिलेंगे, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होंगी उनको सुनेंगे और हल करेंगी। और आपको बता दें कि ये तादाद बढ़ती गई, मगर आज की डेट में अगर हम देखें, आज ये तादाद जो है बहुत कम हुई। इसका यही कारण है कि यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स का होना बहुत कम हो गया, यानी कि बदलाव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हुआ है। हमारे साथ हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि इनको इनकी ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा डॉक्टर पूजा विमेश है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे हम आपको। जिस तरीके से कंप्लेंट जिस दिन हमने देखा था, उस बहुत सारे लोग आए थे, आज तादाद बहुत कम हुई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में मैं यही कहूँगी कि शायद पेशेंट्स को कहीं कुछ राहत तो मिल रही होगी हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज की, जो लोगों की तादाद कम हुई है। तो मैं खुश हूँ कुछ हद तक कि शायद मैं कुछ करने में कामयाब हो पाई, जो मेरा एक एक मैं मुहिम लेके चली थी कि मैं कुछ तो करूँ अपने पेशेंट्स के लिए और वेलफेयर ऑफ माई पेशेंट्स। राइट, आपको लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए कि जिस तरीके से अब मंडे को किसी की कंप्लेंट आती है, आप सैटरडे को बैठते हैं, आपको लगता है कि इसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए? हाँ जी, उसका अल्टरनेट मैंने सोचा है कि लाइक मैं एक सजेशन बॉक्स लगा दूंगी अपने रूम के बाहर। जी, उस सजेशन बॉक्स में जिसको पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो अपनी कंप्लेंट उसमें डाल सकते हैं, और वो सजेशन बॉक्स को मैं फ्राइडे को ओपन करूंगी एक दिन प्रायर, और वो सजेशन जो भी मुझे होंगी, जो कंप्लेंट्स उन्होंने डाली होंगी, वो जो कंप्लेंट्स लिखेंगे उनको किसका कोई वो कोई प्रेशर नहीं होगा, वो आराम से कोई भी कंप्लेंट जो उनको लगता है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी में या स्टे के दौरान को प्रॉब्लम्स पेश आई, वो मतलब लिख के मुझे डाल सकते हैं बॉक्स में। उस बॉक्स को चाबी मेरे पास ही रहेगी, बॉक्स में फ्राइडे को खोलूँगी, कहाँ यहाँ से मंगवा सकती हूँ, उसको मैं स्टडी करूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स किस पेशेंट को किस किस डिपार्टमेंट की तरफ से आई और किस क्या हालात में उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और मैं उस पर क्या इनिशिएटिव ले सकती हूँ। तो डेफिनेटली मतलब एक बॉक्स मुझे रखिए, एक सजेशन बॉक्स ही है जो मतलब एक मुझे और पेशेंट को एक दूसरे के आमने सामने कर सकता है, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। मैम, अप्रिशिएट करना चाहेंगे, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, आप ही के डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लैब में जो टेस्ट आते हैं बाहर से, वहाँ पे लोग लेबॉरेटरी के आते हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहेंगे, आपकी गाइडलाइन से ये सब पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ये तो हमारे सामने हुआ, मैंने वो खुद सुना। इसके खिलाफ क्या स्टेप आगे लेंगे आप? देखिए, हमारे सीसीटीवी फुटेज तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल को कवर कर रहे हैं, तो हम लोग ओपीडी, स्पेशली ओपीडी के बाहर जहाँ पे यूजली काउट्स पाए जाते हैं, हमने जो हमें देखे हुए हैं वो काउट्स जो है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग शायद अपने लोगों को भी रखेंगे, तो वो मैं बता नहीं सकती कि हम किस तरीके से उसको उनको प्लान करेंगे, बट मेरा तो आम जनता को यही एक मैसेज होगा कि अगर वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते हैं तो उनके सारे टेस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे हॉस्पिटल में, अगर जिनकी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती भी है वो मिनिमल कॉस्ट पे होंगे। तो आम जनता को यही मैसेज है कि आप किसी भी की बहकावे में मत आएँ, आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो आप यही सोच के चलें कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हर ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो उनके टेस्ट हो चाहे उनकी दवाइयाँ हों, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैम, एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से एक वैली सिक्योरिटी के एम्प्लॉय हैं जो थे, अब है नहीं है, वो हम आपसे जानेंगे आखिर वो पूरी क्या वजह थी। बहुत सारी सोशल मीडिया पर उसके कुछ ऐसे बयान आए जो हम जाहिर भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरी बात है, क्योंकि वैसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, फिर भी वो चीज़ें सामने आई, उसका उसके मैं रेट क्या करना चाहेंगे? पूछना तो नहीं चाहते थे हम, मगर ये है कि दो पक्ष रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ उन जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे आउटसोर्स वाले, वो कुछ डिफॉल्टर्स भी होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स होते हैं, हर वर्कर जो होता है उसका 100% नहीं होता है। राइट, तो कुछ डिफॉल्टर्स रहे होते हैं, और कुछ एक बार आप उसकी जो उसने गलती की होती है माफ़ कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, पाँच पाँच छः छः बार जब रिपीट करते जाते हैं तो वो डिफॉल्टर्स बन जाते हैं। तो जब वो डिफॉल्टर्स बन जाते हैं तो बिकॉज वेरी मतलब हम लोगों के लिए भी वो चीज़ ज़रूरी है कि ऐसे डिफॉल्टर्स को हॉस्पिटल में ना रखा जाए और ऐसी डिफॉल्टर्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। बट ये होता है कि क्योंकि वो आउटसोर्स होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी पूरी कंपनी पे होती है जो वो हायर करते हैं, तो वो उनको ही निकालते हैं, क्योंकि उसकी जो भी कंप्लेंट्स थी जो भी डिफॉल्टर की, तो वो
सकते थे, जो वैली आपकी कंपनी है वो उन्होंने ही उनको निकाला है। और बात ये है कि वो डिफॉल्ट रहे हैं हमारी तरफ से। अब जो उन्होंने बड़ी अनएथिकल स्टेटमेंट्स दी हैं कि हॉस्पिटल में ये होता है या हॉस्पिटल में कुछ ऐसे काम होते हैं, मतलब दैट इज़ वेरी यू नो नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। ये तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पूजा विमेश, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। हम अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं, जिनकी कंप्लेंट कुछ डेज पहले भी आती थी, अब उनके लिए जो है एक बॉक्स भी लगेगा, उसमें वो अपनी कंप्लेंट डालेंगे और खुद प्रिंसिपल मैम जो है सैटरडे को उनको ओपन करेंगे और जो भी उसका इशू होगा वो पूरे तरीके से वो कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए। आपको बता दें कि जब से इन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है, बहुत बदलाव हमें भी देखने को मिले हैं और जो यहाँ का स्टाफ है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको दिल से सलाम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे सामने भी जो इस वक्त डॉक्टर साहब आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आके प्रिंसिपल मैम से भी बात शेयर की है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और इनकी पूरी टीम को करता हूँ जिस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर पूजा मैम जो है इसी तरीके से यहाँ पर काम करेगी और जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और जो भी आपकी कंप्लेंट होगी आप इनके पास आइए, उसी वक्त आपकी कंप्लेंट का जो है समाधान होगा। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे, आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्टेट टाइम्स।